फ्रेंड्स, मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट करके जरूर बताना। और हरियाली तीज का मैं व्रत रखा था, तो था तो क्या, अब कल मेरा व्रत खुलेगा, सारी मेरी बहनों ने रखा होगा, तो हैप्पी तीज सभी को। तीज तो निकल चुकी होगी जबको मेरा ये ब्लॉग आएगा। तो मैं कैसी लग रही हूँ इस जोड़े में, ये मेरे शादी का जोड़ा है और मैंने बहुत साल बाद, 17 साल हो गए मेरी शादी को, 17 साल बाद मैंने ये जोड़ा पहना है फर्स्ट टाइम पूरा। वैसे या साड़ी पहन लेती थी या फिर या ये चुन्नी ओढ़ लेती थी, तो इस बार मैंने पूरा पहना है। मेरी बेटी ने बोला मामा पहनो, तो ये मैंने पहना है। तो मेरे हाथों की मेहंदी कैसी लग रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ये मेरी आराध्या ने लगाई है ये वाली मेहंदी, ये मैंने खुद लगाई है। और इस तरह से मेरा नेल पेंट है, ये भी खुद ही अपने आप ही ऐसे ही मैंने सुबह इस तरह का सूट पहना हुआ था। तो कमेंट करके ज़रूर बताना मैं कैसी लग रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ से आगे म्यूट कर दिया था क्योंकि मेरे भजन लगे हुए थे पूजा वाले कमरे में। तो मैं यहाँ पे पूजा की तैयारी कर रही थी। पूजा में अपना जो भी हमारा अपना अपना स्टाइल होता है सभी का, काम करने का, पूजा करने का, है ना, और अपने अपने रीति रिवाज है। खैर, मुझे जब से मैंने ये व्रत रखा है ना, तो मुझे ये व्रत रखते हुए हो गए हैं 15 साल। तो मेरी जो ननद हैं, बड़ी ननद, तो उनकी गॉड सिस्टर मेरे हस्बैंड की, तो उन्होंने मेरे से ये व्रत रखवाया था। उन्होंने मुझे बताया था कि ऐसे ऐसे करना है, क्योंकि सभी लोग करवा चौथ ही रखते हैं। मेरी मम्मी है वो करवा चौथ ही रखते हैं, मेरी भाभी भी करवा चौथ ही रखती हैं, तो मैं करवा चौथ नहीं रखती हूँ, मैं ये वाला व्रत रखती हूँ हरियाली तीज का। तो जैसा जैसा मुझे मेरी ननद ने बताया है, तो वैसा वैसा मैं मतलब हर साल ऐसे ही करती हूँ। ऐसे ही फल फ्रूट 5 ऋतु फल चढ़ाती हूँ, जो भी मुझे महादेव माता रानी को जो भी चढ़ाना है अपनी श्रद्धा से वो मैं चढ़ाती हूँ, और जो मुझे दान में देना है वो। और एक दीपक जल रहा है आगे चावल के ढेर पे, ये पूरी रात भर जलते रहना होता है, इसको देखना होता है, तो सोते नहीं है रात को। भजन कीर्तन भगवान का नाम लेना होता है। और इस तरह से मैंने माता रानी को टीका लगा दिया था यहाँ पर, और ये माता रानी को मैंने शॉल लगा दी है इस तरह से। जो भी मुझे चढ़ाना था थोड़ा बहुत श्रद्धा से अपनी, वो मैंने चढ़ा दिया है। तो जगह थोड़ी छोटी पड़ रही थी, और जैसे होता है ना कि भी मिट्टी के बनाते हैं महादेव माता रानी, तो आपको पता ही है यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है। और मैं यहाँ पे अकेली हूँ, अब ये तीज का व्रत रखने वाली सभी लेडीज़, जो एक हमारे गांव में एक लेडी है ना, वो सामने रहती है, तो मेरा उनके साथ कोई ज़्यादा बातचीत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने फल फ्रूट वगैरह सारे रख दिए हैं भगवान के आगे, जो कि 5 ऋतु फल हमेशा हर साल इसी विधि से मैं हमेशा ये पूजा करती हूँ, जैसा मुझे सिखाया गया है, जैसा मुझे बताया गया है। खैर, कोई भी जाने अनजाने कोई गलती हो तो वो भगवान माफ़ करते हैं। अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि कोई गलती ना करूँ, फिर भी हम तो इंसान हैं, और जो इंसान होता है ना वो गलती का पुतला होता है। तो अपने मन से, अपने मतलब जो भी अंतर आत्मा से जो भी बात होती है, वही भगवान, हमारे बोलते हैं ना कि हृदय में भगवान होता है, तो हृदय से ही हम भगवान को माने वो ज़्यादा अच्छी बात है। पूजा, ये व्रत बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है, आप लोगों को जैसे कि पता ही है, इसमें अगले दिन ये व्रत खुलता है। और अभी मैं यहाँ पे सजी धजी हूँ, और यहाँ पे सज धज के भगवान से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि हे महादेव माता रानी, हे गौरी शंकर पार्वती, मैं जैसे इस तरह से सुहागन के जोड़े में हूँ ना, और जानी भी इसी तरह से मैं इस संसार से जानी चाहिए इसी सुहागन के जोड़े में। इसीलिए हम लोग सुहाग का पूरा सब कुछ 16 श्रृंगार करते हैं। तो मैंने यहाँ, मैं आ गई थी माँ तुलसी के पास, तो माँ तुलसी को भी हम अपने, ये हमारे घर की माँ लक्ष्मी होती है, हम मेरे आंगन में लगी हुई है, और आपने मेरे हमेशा ब्लॉग में देखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं माँ लक्ष्मी को भी, यहाँ पर मैंने जोत जला दी है माँ लक्ष्मी के आगे। तो ये तो हमेशा रोज का ही काम है मेरा, क्योंकि माँ लक्ष्मी भी हमें धन धान्य से भरती है। माँ लक्ष्मी को भी हमने यहाँ पर आगे रखना है।
तो इसी तरह से मैं अपनी मनोकामना कर रही हूँ। और मुझे नहीं पता ये आराध्या ने क्या क्या किया है, आराध्या के हाथ में कैमरा था, आराध्या क्या क्या ले रही थी, क्या क्या कर रही थी, मुझे नहीं पता। बस मैंने इसमें वॉइस ओवर किया है जो जो थोड़ा सा ठीक लग रहा था मुझे। बाकी ब्लॉग बहुत लंबा जा रहा था, हमने यहाँ पर आरती वगैरह भी की, जो जो मुझे करना था वो मैंने सारा किया यहाँ पर। तो बीच में अभी मेरा व्रत नेक्स्ट डे का मैंने नहीं लिया, तो यहाँ पर मेरे पड़ोस में अंकल रहते हैं जो कि आप लोगों ने देखा ही होगा, यहाँ पर आराध्या उनके लिए लेके आई है एयर मशीन। उनके ना कान में कम सुनाई देता है, तो उन्होंने कहा कि मुझे 20,000 की मशीन पड़ती है, हम लोग इतना नहीं ले सकते हैं। तो हमने ये ईयर जो कान में सुनने वाली मशीन है ऑडियो टच करके, ये मशीन इनके लिए मंगवा दी थी अंकल के लिए एज अ गिफ्ट। तो ये बार बार कह रहे थे कि कितने पैसे हुए, मतलब पैसों को मारो गोली, पहले ये बताओ कि आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। आराध्या उसको अनबॉक्स कर रही है। तो ये भी एक अच्छा सा मोमेंट होता है, किसी की भी हेल्प करो तो अच्छा लगता है। हमने सिंपल सी इनके लिए मशीन मंगवाई है कान में लगाने की, ताकि इनको ऑपरेट करने के लिए मुश्किल ना हो। थोड़े अंकल बुज़ुर्ग हैं, इनको कान से कम सुनाई देता है, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ता है। तो बार बार मैंने वॉइस ओवर इसलिए किया है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था वहाँ पर। हाई में सुनाई दे रहा था, देखा ना, आवाज़ आया, आई आया लगाओ इसको, यहाँ लगा दो इनको, इससे ना कम ज्यादा इधर से होगा, हाँ इधर से कम ज्यादा होगा, हाँ देख लेना यहाँ पर भी ध्यान दो, ये कहीं टूटेगा, इसका ध्यान रखना है ना, और ये पानी से बचाना, हाँ। और ये देखो यहाँ से ये क्लिप है ना, ये देखो ये क्लिप है ना, ये ऐसा हो जाता है, ठीक है। इसको अपनी जेब में रखो, अपने आप यहाँ पॉकेट में रखो, जहाँ है वहाँ फंसाना है इसको, यहाँ भी फंसा सकते हैं आप इसको। मान लो आपका जेब नहीं है ना, तो आप इसको भी फंसा सकते हो, यहाँ पर अंदर को फंसाओ इसको ऐसे करके, रहते पकड़। अब इनको सुनाई देगा, इनको एक कान से कम सुनाई देता था और इनको प्रॉब्लम हो रही थी बहुत ज़्यादा। अभी सुनाई दे रहा है आपको, हैं है? कितना सुनाई दे रहा है, कम या ज़्यादा हैं? काफ़ी सुनाई दे रहा है, तो आपने यहाँ से कम ज़्यादा करना है। अगर कम सुनाई दे रहा है ज़्यादा, यहाँ से सेटिंग करनी है आपने, ठीक है। ज़्यादा ही रखोगे ना आप इसको तो आवाज़ में सड़ 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 होगा, अगर थोड़ा सा कम रखोगे ना तो क्लियर आएगा आवाज़। अभी सुनाई दे रहा है ना आपको अच्छे से, है ना? हाँ, तो आप खुश हो, मशीन लेके खुश हो आप? आप मशीन होके खुश लेके खुश हो? अच्छा लग रहा है आपको, सुनाई दे रहा है अभी? नहीं बोल रहा, अच्छा लग रहा है अभी? अभी आपको हमारी आवाज आ रही है, अच्छा लग रहा है कि नहीं? दादू देना, हाँ निकाल के, है ना? इसमें और भी है, देखो कहीं गुम हो गया ऐसा लगाने का आगे से, है ना, है ना, इसमें रख दिया मैंने। हाँ आ रहा है आवाज, आ रहा है, आ रहा है अंकल आवाज, आ रहा है। हाँ इसको सेट करना, हाँ ज़्यादा ज़्यादा छेड़ है भाई, नन्ना भी नहीं, देखो हाँ हाँ ऐसे, जितना आपको ठीक लगता है ना उतना लगा लो आवाज, आ गया ना, हाँ ठीक है। हाँ और ये डब्बा है अंकल, इस डब्बे को संभाल के रखो, जब आपने इसको यूज नहीं करना ना, जब इसको लगाना नहीं, तो इस डब्बे में डाल के रख देना रात को, सवेरे अपना जेब में डाला, हाँ। पानी से बचाना है इसको, है ना, सस्ती है। तो यहाँ पे अंकल रेट वगैरह पूछ रहे थे मेरे से, तो मैंने रेट नहीं बताया, सस्ती मशीन है ऐसा नहीं है, चलो इनका काम चल पड़ा। और अंकल बहुत ज्यादा खुश हुए, अंकल इसको बार बार खोल के देख रहे थे, बार बार मशीन कान में लगा के देख रहे थे। और इसी तरह से किसी को खुशी देना, किसी के हमारी वजह से अगर किसी के फेस पे स्माइल आती है तो उससे बड़ी खुशी क्या है, है ना। तो मुझे लगता है कि ऐसी छोटी छोटी खुशियां बांटते रहना चाहिए जितना पॉसिबल हो सके। और इसी तरह से अब मैं वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करना।